दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आध्यात्मिक प्रेम क्या है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। तो इससे पहले कि दोस्तों हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जरा और गहराई में लेकर चलते हूँ। आपको बताइए, पिछले जन्म में आप क्या थे, क्या आपको ज्ञात है? आज जिस किसी भी जाति धर्म में आप हैं और किसी विरुद्ध जाति का आप अपना अपमान करते हैं, तो क्या आपको पता चले कि आप भी किसी जन्म में उसी जाति धर्म में पैदा हुए थे जिसकी आज आप घृणा कर रहे हैं? तो क्या होगा, तो फिर आप अपने आप से भी घृणा करेंगे, नहीं ना? तो जिस तरह से आप अपने आप को क्षमा करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से औरों को भी क्षमा और प्रेम कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप प्रेमी होते जा रहे हैं। मेरी ना सुने, अपनी आत्मा की सुनिए। क्या वो प्रेम नहीं चाहती? वो फिर किस बात को लेकर इतने चिंतित हैं आप? जिसे आप पाने की कोशिश करते हैं, वो जो आपके पास है, आपके पास नहीं है, तो आपको उस बात की तरफ एक अजीब सा खिंचाव होता है और जो कभी आपको शांत रहने ही नहीं देता। यह जो जलन, ईर्ष्या, भेदभाव, अविश्वास, तड़प, बेचैनी, बेकरारी, चिंता, अपना बनाने की पागलपंती, जुनून, छटपटाहट, डर, गुस्सा, वासना और रोग, ये सब विकार मोह का होता है और इनमें से आप भी इस विकार के आदि होंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं और ये स्वाभाविक है। पर हम बदल सकते हैं यदि हम बदलना चाहें तो। और जहां सुकून, शांति, अभय, आनंद, चिंता, क्षमा, गहरा विश्वास, सहनशीलता, समर्पण, त्याग, मोक्ष, निरोगता, निडरता और एक गहरी समझ होती है, वह प्रेम है। हम जो शरीर से करते हैं वो मोह है, क्योंकि हम सिर्फ शरीर देखते हैं। पर प्रेम तो आत्मा से आत्मा का होता है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। शरीर से चाहे आप कितने भी दूर हो, परंतु आत्मा आत्मा के करीब होती है और यह प्रेम होता है। पसंद करने में और प्रेम करने में धरती आकाश का अंतर होता है, जहाँ आप एक क्षण भी दूर नहीं रहते या आपकी सोच क्षण भर भी दूर नहीं रहती उनके विचारों से, तो यह प्रेम है। जिसमें तड़प चाहे जितनी हो पर उदंडता बिल्कुल भी ना हो, वह प्रेम है। जहाँ दूरियाँ कितनी भी हो पर सहनशीलता हो, वह प्रेम है। जहाँ आप पसंद करते हैं और उसे पाने की इच्छा करते हैं, वो मोह है। और आप जो जैसा है वैसे ही रूप में उसे चाहते हैं, बिना बदलाव के, बिना तुलना के। और जो जहाँ है उसे उसी हाल में खुश देखना या उसकी खुशी का ध्यान रखना, उसका सम्मान करना, उसे स्वतंत्र छोड़ना ही प्रेम होता है, जिसे निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, अनकंडीशनल लव कहते हैं। आप बुरी आदत बदलने से, जो आपकी बुरी आदत बदलने में सहायता अवश्य कर सकता है पूर्ण संयम के साथ, तो वो प्रेम है। जो जानवर का स्वभाव वाले व्यक्तियों को भी इंसान बना देता है, वो प्रेम है। जो स्वतंत्र है और रहता है हमेशा, वो प्रेम है। मुंह बांध के रखता है, अच्छे बदलाव को कभी कभी स्वीकार नहीं कर पाता, जिसे खोने का डर हमेशा मन में पनपता है, जिसमें खुद का स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, जो बंधन को पार नहीं करने देता, वो मोह है। पर अपनी मेहनत, दृढ़ विश्वास, समर्पण भाव हो, त्याग हो अपने गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, अपने प्रेम के प्रति, तो आपका जीवन जटिल है, आपकी जीत अटल है। यदि आप जिस किसी को सच्चे दिल से प्रेम करते हो, तो ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि वो आपके पास लौटकर ना आए। मोह बंधन में रखती है और प्रेम स्वतंत्र। मोह अपमान करता है और प्रेम सम्मान। मोह सीमा में रखता है और प्रेम सीमा पार होता है। मोह छल कपट से भरा होता है और प्रेम निश्चल रूप से। मोह बंधन बनाता है और प्रेम संबंध। जिन्हें आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जाने दीजिए।
अगर उनका प्रेम भी सच्चा है तो वो हर सिचुएशन में अवश्य लौट कर आएगा। मोह आपको अंदर ही अंदर मारता है और प्रेम आपको जीना सिखाता है। प्रेम बहुत शक्तिशाली होता है और वो प्रेम करता है तो अपने आप ही वह स्ट्रोंग बन जाता है। उसमें वो सहनशीलता अपने आप ही प्रकट होती है। प्रेम को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, जैसे कि अपने तपोबल से, ध्यान से, ज्ञान से, शुद्ध विचार से, शुद्ध आचरण से, शुद्ध कर्मों से और सेवा भाव से, क्षमा करने से, और ये सब संभव है। प्रेम में आप यदि किसी जीव को आत्मा समझकर प्रेम करते हैं तो आप आध्यात्मिक हैं, क्योंकि अध्यात्म आत्मा से जुड़ा हुआ है, जहां अटूट विश्वास और प्रेम होता है। आत्मा का स्वभाव गुण ही प्रेम है, तो आपकी आत्मा आपको वहीं ले जाएगी जहां उसे प्रेम महसूस होता है। एक बार यदि आपने जान लिया कि आपका सत्य प्रेम क्या है, तो आप कभी भी क्षण भर दूर नहीं रहेंगे। मैं यहाँ आत्मा की बात कर रही हूँ, शरीर की नहीं। जब शरीर से मिलना हो तो वक्त पर आप मिल ही जाएंगे, नियति आपको रोक नहीं पाएगी। प्रेम कोई दो चार दिन का खेल नहीं होता, यह एक तपस्या है, एक पूंजी होती है, यह विश्वास से प्रकट होता है। इसलिए हर क्षण आप जिस रिश्ते में हैं उसे हर क्षण संभालना पड़ता है। यह हर दिन आपको करना पड़ेगा, तभी यह सफल, अटूट और अमर बनता है। प्रेम पवित्र गंगा है जो निरंतर आत्मा से बहता है। जिस दिन आपकी आत्मा जागरूक हो गई तो सबसे पहले आप अपने विचारों को समझेंगे, प्रेम करेंगे, जो आप चाहेंगे वही दृष्टि आप अन्य लोगों के प्रति भी रखेंगे। आप हमेशा देने के विषय में सोचेंगे, लेने के नहीं। और जिसने प्रेम पा ही लिया है वो फिर उसे किस बात की आवश्यकता होगी। प्रेम अपने आप में एक संपूर्णता है। कई जन्म आप समर्पण भाव में रखेंगे तभी ये पाप कर्मों को मिटाकर किसी एक जन्म में आपके जीवन में उच्च कोटि का प्रेम प्राप्त होगा। अगर आपको ऐसा प्रेमी या प्रेमिका मिले हैं जो जाने, तो उसे जाने मत देना, सम्मान करना उनका, वह सदैव आपको समर्पित रहेंगे। ऐसा प्रेम यदि मिल गया तो समझ लेना बहुत तपस्या की थी किसी जन्म में ऐसा उच्च प्रेम पाने के लिए, और आपको वो मिल गया। किसी कोई भी चूक हो गई हो और आपका मन अशांत है तो प्राश्चित कीजिए, वही प्रेम है। किंतु यह प्राश्चित भी पूर्ण समर्पित भाव से हो तो वो प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, क्योंकि आपका मन शुद्ध है। किसी की गलतियों को क्षमा कर देना ही प्रेम है। चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, क्षमा करना आवश्यक है, क्योंकि आपकी गलतियों को ही भगवान क्षमा कर देते हैं। और हमने यह समझना चाहिए कि हमारी गलतियों पर भगवान यदि माफ़ी देते हैं तो हमें भी सामने वाले को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हम और आप उनके अंश हैं। और जिस दिन आप ये गुण जागरूक कर लेंगे, उस दिन आप प्रेमी बन रहे हो या बन गए हो, ऐसा समझिए। क्षमा, दया, करुणा, ये सब प्रेम के रूप हैं, आत्मा के गुण हैं। प्रेम को पाना कठिन नहीं, पर प्रेम को समझना भी कठिन नहीं, तो फिर प्रेम बन जाना कठिन होता है, और यही जीवन का सत्य है। संतों की नज़र में और मेरी नज़र में एक ही बात है कि जहाँ प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, आदर नहीं, इज्जत नहीं, वहाँ क्षण भर भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना किया तो जीवन भर दुखी ही रहेंगे। परंतु अपमान तो हमारे अपने ही सबसे ज़्यादा करते हैं, पराए लोगों में इतना साहस कहाँ, क्योंकि आप में वो क्षमता नहीं कि किसी की उद्दंडता को सहन कर सके, मुंह तोड़ प्रेम से उत्तर दे सके। इसलिए हम दुखी और मायूस हो जाते हैं, और जीवन ऐसा ही दुख देता है, और वो चक्र खत्म नहीं होता और ना ही होगा। यदि खत्म हो जाए तो फिर ये प्रेम की अनुभूति कहाँ से होगी, कैसे होगी? बुराई होगी तभी तो अच्छाई का मतलब होगा, अन्यथा प्रेम अर्थ कहाँ समझ आएगा? और जिसे प्रेम समझ आए वो इंसान ही कहाँ रह गया।
वो तो नर मानव से महामानव बन जाता है, नर से नारायण हो जाता है, तो बचता क्या है? कुछ भी नहीं। और यदि आप में वो क्षमता है कि किसी की बदतमीजी उद्दंडता सही जाए, तो यह आध्यात्मिक प्रेम के बिना असंभव है। निरंतर खुद को भी और दूसरों को भी क्षमा करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक प्रेम से होती है। तभी आप किसी का मन परिवर्तन कर सकते हैं। वो प्रेम मांगिए नहीं, प्रेम स्वयं बन जाइए। तब प्रेम आपके भीतर से बहेगा। जो बात आपके पास नहीं है, वो निर्माण कीजिए और औरों को भी बांटिए। यही प्रेम है और यही अध्यात्म है। प्रेम और अध्यात्म के ऊपर चर्चा करना ये बहुत गहन अध्ययन है। जिसे समझ आए उसी को समझ आती है। इस पर जितना बोलूं या लिखूं या वीडियो बनाऊं उतना कम है, पर विश्वास है कि मुझे कि आपको प्रेम और अध्यात्म समझ में आया हो। यह मैंने एक कम शब्दों में बताने की कोशिश की है। यदि कोई भी परेशानी या तकलीफ हो तो बेझिझक आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। आप इस विषय पर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूं और यही प्रार्थना करती हूं कि आप भी अपने आप को अध्यात्म रूप से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें और उच्च कोटि का प्रेम, शिव शक्ति सा प्रेम अपने भीतर में लाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।